इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम के बेटे आमिर मंशा को कब्जे के मुख्तलिफ चार केसेस में 30 मार्च तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मजीद तफसीलात के लिए नुमान नूर हमारे साथ मौजूद है। जी नुमान नूर। जी बिल्कुल, जो है इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम के बेटे आमिर मंशा को आज जुडिशियल रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया और सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम आमिर मंशा के खिलाफ जो है वो चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अभी तक चालान जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया क्योंकि आमिर मंशा के खिलाफ चार मुख्तलिफ मुकदमात हैं जिनके चालान मुकम्मल किए जा रहे हैं, जिसके बाद जो है अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो है केस की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी और तफ्तीशी अफसर को हदायत जारी की कि मुलजिम आमिर मंशा के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हैं उनके जो चालान हैं वो अदालत में पेश किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया नुमान नूर।